तो थैंक यू भैया हमसे मिलने के लिए आने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं बीमू और आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद, सदियों बाद कौन आए हैं हमारे घर कौन पधारे हैं? देखिए, पहचानते हो क्या आप लोग? कमेंट करिए, बताइए कौन हुआ आप। पहचानते हैं हमारे दोस्त लोग ना। तो अभी हम लोग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? 2 बज रहे हैं और अभी आए हैं भैया जी आए हैं। तो अभी भैया जी और विकास जी दोनों बैठ के यहाँ पे गप्पे सप्पे कर रहे हैं, तब तक मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, ठीक है? भैया जी के लिए और इनके लिए, हमारे लिए, सारे लोग के लिए। और यहाँ पे सुहाना मेला से जो लेके आए हैं वो, और भैया जी जो लेके आए हैं सुहाना के लिए वो खा रहे हैं। सुहाना क्या है, कौन आए हैं हमारे घर? मामा। तो यहाँ पे देखिए, हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता में हम सोचे कि क्या बनाएं, तो जल्दी जल्दी में जो हमसे बन पाए वो हम सोचे कि जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाए पकोड़ा, जो कि अभी आप लोग देख रहे हो पकोड़ा बना रहे हैं। इसका रेसिपी भी हमने पहले शेयर कर चुके हैं इसी चैनल पे, तो आप लोग देखे होंगे। तो ये हमने बनाए पकौड़ा, और उसके बाद हमने 2 अंडे को पौंच बनाए। सिंपल सा पौंच नहीं बनाए, एक पौंच होता है जिसमें सिर्फ नमक डाल देते हैं वो, तो वो वाले नहीं बनाए, उससे थोड़ा वो है। हमने पौंच ही बनाए, बट उसमें जो है थोड़ा सा प्याज और मिर्ची काट के डाल दिए, और वो पौंच बनाए अंडा का। देखिए अभी ये जो है हमारा पकौड़ा हो गया है, मतलब बन गया है, और अभी ये पौंच बना रहे हैं। तो अंडे का पौंच, 2 अंडे का पौंच और पकौड़ा, और उसके बाद हमने बनाए भेलपूरी। पता नहीं आप लोग के एरिया में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो सिंपली चटपट्टी बोलते हैं, कई जगह पे चटपट्टा बोलते हैं, कई जगह पे झालमुड़ी बोलते हैं। तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसको हम अभी, किसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, झालमुड़ी के बारे में यानी कि चटपट्टा के बारे में। तो ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर पौंच भी बन गया, और हाँ ये अभी बन रहा है झालमुड़ी या चटपट्टा या चटपटी, जो भी कह सकते हो आप के एरिया में, जो भी कहता हो इसको वो। तो इसमें हमने डाले थोड़ा सा भुजा यानी कि मुढ़ी, उसके बाद जो हमने खरीद के लाए थे चौचो, हम लोग बोलते हैं भुजा, वो डाले, और उसके बाद इसमें सारे मसाला जो कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, प्याज कटा हुआ, टमाटर, हरा मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, सरसों का तेल, थोड़ा सा भुना हुआ मूँगफली, और उसके बाद मिक्स कर दिए। सो हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। नाश्ता में ये झालमुड़ी या क्या कहते हैं उसको, भेलपूरी कह सकते हैं, ये है अंडा के पाउच, और ये है पकौड़ा गरम गरम। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। सो हमने शुरू कर दिए है, आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी। कैसा बना है, कोई तो रिव्यू दे दो थोड़ा सा। अच्छा नहीं बना है फिर भी तो अच्छा बोल दो। मुझे हम बहुत खुश हुआ, मुझे तो टेस्ट नहीं पता लगा है क्योंकि जुकाम लगा हुआ है, फिर भी अच्छा है। टेस्ट ला दो सुहाना, हाउस टेस्ट। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं बाहर गई थी क्योंकि मुझे किसी ने बुलाए थे, बोले थे कि मतलब बीमू को बोलो बाहर आने को, तो मैं गई बाहर, और जब वहाँ पे गई तो पता चला कि वो कोई और नहीं, मेरे भैया के, मेरे अपने भैया के फ्रेंड थे बचपन के ना, किसी ने अंदर बुला दिया। तो मैं अंदर बुला रही थी, पता है मैं बोली कि चलो, क्या बोल रहे हो? तो वो कुछ नहीं, आप मतलब ऐसे आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ देख रहे थे। मैं तो वहां तो देख ही नहीं रहा। हां तो आप नहीं देख रहे थे, लेकिन वो आपकी तरफ देख रहे थे और बोले कि नहीं जाएंगे। मैं बोल रही चलो चलो चाय, कम से कम चाय पी के जाइएगा, तो बोल रहे थे नहीं नहीं जाना नहीं जाना। और वो ना, पता है फ्रेंड, वो ना अब मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे एरिया में भी बहुत लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, पता है आपको? वो वीडियो देख के आए थे, वो घर में ना हमने होम टूर करके दिखाए थे, तो उसमें हमने होम दिखाए थे, वो होम को वो देख के ऐसे करके आए थे यहाँ पे, पता है? और बहुत जगह से हमारे नंबर मतलब लेने की कोशिश की, बट किसी के पास हमारे नंबर नहीं थे, तो डायरेक्ट आया था यहाँ पे। और मुझे लग रहा है क्या पता है आपको, अगर ये बोलते ना एक भी बार कि चलो चाय अंदर, मतलब चाय, कम से कम चाय पी के जाना, तो शायद आते ना। मतलब मैं तो बहन थी ना, मैं तो बहन थी, मैं आपको बुलाना चाहता कि आओ, मुझे बुलाया आपको लास्ट में, क्या तो फिर आप यहाँ पे ऐसे खड़े थे। कम से कम एक बार आपको कहना था यार कि चलो, आपको बुलाना चाहते हो, मुझसे मिलने ही नहीं आए थे, आपसे मिले थे, आपसे मिल लिए हो गया ना। हाँ तो मुझसे मिलना आया था, लेकिन आपको तो कहना था ना, हमारे घर से लोग थे, मतलब जो भी हमारे गांव से तो थे ना। कैसे बात करते, बताओ तो, मुझे पता चलता है। हाँ आप भी आओ, मेरे अपने भैया के दोस्त थे वो, पता है? मुझे बोल रहे कि मुझे बुलाया ही नहीं, ऐसे कह रहे हो मुझे कि क्यों नहीं बुलाया। मुझे जब मैं बाहर निकली, मैं बोली जी मैं तो पहचान नहीं, बचपन में मतलब बचपन में तो मैं देखी थी, मतलब देखा देखा सा लग रहा था। तो मुझे बोले कि आप कमलेश की बहन हो ना, तो मैं बोली कि क्या हुआ। मैं तो देखिए जाते जाते मैं बोली कि आप अगले दिन आइएगा, तो बोले कि हाँ अभी शाम हो गया, हम अगले दिन आएंगे, तो जरूर आएंगे अंदर, तो अगले दिन आएगा तो वीडियो बनाएंगे। हाँ
नंबर लेके गए। हाँ नंबर लेके गए और हम भी नंबर सेव किए, राधे श्याम नाम है उनका। और अगर ये आप देख रहे हो तो थैंक यू भैया हमसे मिलने के लिए। हमने अभी नंबर एक्सचेंज किए थे और हम अभी वीडियो बना ही रहे थे, उसी बीच उनका कॉल आया और वो बोले कि हम जल्दी में थे, किसी दिन किसी और दिन आएंगे तो आएंगे ना। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको नहीं पहचान पाया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। और हमसे भी कुछ तबियत भी खराब है, हाँ इनका तबियत भी खराब है, तो ठीक है किसी और दिन आएंगे भैया जी, तो आप लोगों से भी मिलाएंगे। आज शूट नहीं कर पाए क्योंकि मैं खुद मतलब क्या बोलते उसको शौक में थी, हाँ शौक में थी मैं खुद। कितना था? बहुत ज्यादा था, मैं तो सोच भी नहीं पाती। मेरे कमलेश भैया के फ्रेंड आए हैं, बचपन के फ्रेंड, तो बहुत खुश हूँ मैं। और अगले दिन जब आएंगे हमारे घर आइएगा तो और भी ज्यादा खुश होएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, हमारे फ्रेंड्स लोग भी देखेंगे आपको, ठीक है। ओके बाय बाय। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, आप लोग भी चलना है क्या? आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट। कोई मुझे कंपनी दे दो, अकेले नहीं जाना, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो देखिए अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और अभी यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? सो रहे हैं, शाम को कोई सोते हैं? क्या खाओगे बताओ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, रोटी बना दे। तो हस्बैंड जी अभी रोटी खाएंगे तो जा रहे हैं हम रोटी बनाने, फिर मिलते हैं। हाँ क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, बुखार है क्या? चलो दवा लेते हैं। अभी देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने में है रोटी, झिमनी के सब्जी, टमाटर के अचार और ये सलाद। सुहाना खा रहे दूध रोटी ना बेटा, और मम्मा के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिन का चावल, ये सब हम खाएंगे फिर सो जाएंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर हम चले जाएंगे, गुड नाइट, बाय बाय।